अब आते हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीति राजनीतिक सिद्धांत से अलग कैसे है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा राजनीतिक सिद्धांत को थोड़ा बेहतर समझना पड़ेगा। सिद्धांत माने थ्योरी, THEORY, सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, थ्योरी। और थ्योरी की यदि बात करें तो ये जो शब्द है ये आया है थ्योरिया से, THEORI, थ्योरिया, जो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है मनन, चिंतन। किसी बात का मनन और चिंतन करना ही थ्योरी कहलाता है। अब सिद्धांत से आशय है, सिद्धांत शब्द जो है उसका आशय, उससे आशय है या उससे हमारा अर्थ है कि एक विचार या विचारों का समुच्चय। सिद्धांत यानी विचार या विचारों का एक झुंड, एक समुच्चय, जिसका आशय किसी बात की समुचित व्याख्या करना होता है। किसी चीज़ की जब व्याख्या की जाती है, विवेचना की जाती है, उसका विस्तारित रूप बताया जाता है, तो ये बात जो है ये आती है इस सिद्धांत के तहत। तो सिद्धांत जो है किसी एक विचार या विचारों का समुच्चय। राजनीति या पॉलिटिकल, यदि हम इसको राजनीतिक माने पॉलिटिकल, पूर्व में मैंने बताया राजनीति अर्थात पॉलिटिक्स, राजनीतिक विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ पे शब्द है राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, ये शब्द ऐसी बातों का उल्लेख करता है जो सार्वजनिक है। पॉलिटिकल हमेशा इसका संबंध सार्वजनिक बातों से ही होता है, यानी यह विषय जो समाज समुदाय उससे जुड़ा हुआ हो वह पॉलिटिकल रहता है। कोई भी विषय, कोई भी बिंदु जिसका तात्पर्य, जिसका संबंध समाज से है वह पॉलिटिकल होगा ही, यानी जो संपूर्ण समुदाय का हो। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक घटनाएं, परिघटनाएं, राजनीतिक संस्थाओं, उनके विचारों, उससे जुड़े हुए विचारकों, ये सब का अध्ययन हम करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। दूसरे शब्दों में जहाँ राजनीति में स्व और येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद निहित है, स्व समाज की चिंता ना करके स्व की चिंता करते हुए सत्ता की ओर बढ़ने का प्रयास, ऊपर बढ़ने का प्रयास, वो राजनीति में जहाँ निहित है, वहीं राजनीति सिद्धांत में समाज में होने वाली घटनाओं और राजनीतिक संस्थाओं के विचारों का अध्ययन, यह राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है। राजनीति के छात्र राज्य व इससे संबंधित संस्थाओं में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जो लोग राजनीति से ताल्लुक रखते हैं उनका जो दायरा रहता है वह मूलतः राज्य पे रहता है, या राज्य और उससे जुड़ी हुई संस्थाएं, उस पर वो केंद्रित रखते हैं। और राजनीतिक सिद्धांतों का सरोकार राज्य और उनकी संस्थाओं से उतना ना होकर के मूल्यों पर ज़्यादा होता है। बहुत ही स्पष्ट अंतर आपको इसमें दिखेगा कि राजनीति का ताल्लुक राज्य और उससे जुड़ी संस्थाएं, यानी सरकार, उससे जुड़े हुए अधिकारी, शासन आदि पर। राजनीतिक सिद्धांत ये मूल्यों की बात करता है। राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों का अध्ययन, राजनीतिक सिद्धांत का सरोकार जो है वह होता है न्याय से, स्वतंत्रता से, समानता, कानून का शासन,
आदि ऐसे मुद्दों पर ये बात करता है। राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत ये जो मूल्य हैं, हम फिर से कुछ और मूल्यों की बात करें। स्वतंत्रता, ये एक मूल्य है, वैल्यू है। समानता एक वैल्यू है। समानता लाने का प्रयास, स्वतंत्रता देने का प्रयास, स्वतंत्र होने का प्रयास, ये वैल्यू हैं। ये एक तरीके से हमारे लिए सिद्धांत हैं, हमारे लिए एक तरीके से मूल्य हैं। न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्म निरपेक्षता, विकास, ऐसे जो शब्द हैं, ऐसे जो मूल्य हैं, ऐसी जो अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं को विशेष रूप से राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत में परखा जाता है। इसमें राज्य और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं का अध्ययन होता है, लेकिन वह बैक सीट ले लेता है, वह पीछे हो जाता है, और मूल जो दायरा होता है इसका, राजनीतिक सिद्धांत का, वह इन मूल्यों पर होता है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का जो विषय क्षेत्र है वो राजनीतिक जीवन के तथ्यों से दूर, राजनीतिक जीवन के तथ्यों से दूर रहते हैं। तथ्य क्या है? वही राज्य, सरकार आदि, घटनाएं आदि, इनसे राजनीतिक सिद्धांत थोड़ा दूर रहता है, और उसके बदले मूल्यों पर इसका ज़्यादा जोर रहता है। यानी सरकार, कानून, राजनीतिक संस्थाएं, इन चीज़ों पर इसका उतना विशेष जोर नहीं रहता। उसके बदले दर्शन, हमारी फिलॉसफी क्या है? हर देश के संविधान का एक दर्शन होता है, एक परिकल्पना होती है, एक सपना होता है। किस तरह के देश की हम कल्पना कर रहे हैं, उसके अनुसार हम वहाँ का शासन बनाते हैं, वहाँ का कानून बनाते हैं, वहाँ का संविधान बनाते हैं। तो वो दर्शन, न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, ये वही मूल्य जिनका मैंने पूर्व में जिक्र किया है, ये मूल राजनीतिक सिद्धांत के केंद्र बिंदु पर रहते हैं, और इनका मूल रूप से राजनीतिक सिद्धांत का इससे, इनके मूल्यों से संबंध रहता है। उम्मीद है अब आप दोनों में राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत में अंतर समझ गए होंगे। वैसे ही राजनीति और राजनीतिक शास्त्र में अंतर समझ गए होंगे। राजनीति सिद्धांत में जहां हमने मूल्यों की बात की, थोड़ा सा हम और आगे चले और जानने की कोशिश करें कि इसमें हम पढ़ते क्या हैं। ये हमारे आज के अध्ययन का अगला बिंदु है। जो मैंने पूर्व में पांच बिंदु बताए, उसमें एक बिंदु ये है कि राजनीति सिद्धांत हम पढ़ते क्यों हैं और इसमें क्या पढ़ते हैं, क्या और क्यों। तो यदि इसकी बात करें तो हम जान लें कि जो मानव है, ये जानते हैं, एक सामाजिक प्राणी है। अकेले में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति जो है वो समाज का एक अंग है। समाज जो है वो व्यक्तियों से बना हुआ है, और व्यक्ति स्वयं में कुछ नहीं है, उसके अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं है। तो दूसरे शब्दों में मानव सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते लोगों की इच्छाएं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, लोगों की आवश्यकताएं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, और ज़रूरत का क्या अर्थ है ये आप समझते हैं, तो इनकी आवश्यकताएं और इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं अलग अलग, ये एक दूसरे के निकट आते हैं। यदि मुझे कुछ चीज़ की इच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिए मुझे किसी के पास जाना होगा, तो मेरी निर्भरता उस पर बनी। बाजार हमारी बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और बाजार
में बहुत से लोग हैं जो उस समाज का अंग हैं जिसमें मैं भी हूँ। तो इस प्रकार ये बात स्पष्ट है कि हमारी आवश्यकताएं और हम सब की इच्छाएं हमें एक दूसरे के निकट लाती हैं। निकट तो लाती हैं, पर उसके साथ ही साथ समाज में मानव के इस निकट आने से जहां समाज की प्रगति होती है, वहीं ये निकटता प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, संघर्ष को जन्म देती है, और इसके साथ ही कुछ कड़वाहटों को, कुछ अन्य कड़वाहटों को भी जन्म देती है। जैसे विवाद, लोगों के बीच में विवाद होता है, झगड़े होते हैं, न जाने कितनी तरह की बातें होती हैं। ये आखिर क्यों? समाज में निकटता के कारण। पर ये अपरिहार्य है। व्यक्ति अकेला रह नहीं सकता, वह समाज का हिस्सा है। समाज का हिस्सा है और उसकी अपनी आवश्यकताएं और इच्छाओं को अकेले पूरा नहीं कर सकता, उसे अन्य पर निर्भर है। अन्य पर निर्भरता उसे निकट करती है, समाज में निकटता देती है। यह निकटता ही एक ओर जहां समाज की प्रगति का कारण बनती है, वहीं दूसरी ओर ये समाज के लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, संघर्ष, स्ट्रगल और उसके साथ विवाद यानी झगड़े आदि को जन्म देती है। तो ये दोनों इसके पहलू होते हैं। ये जो झगड़े आदि होते हैं, ये जो बातें हैं, वही राजनीति का सार है। राजनीति का निचोड़ जो है, राजनीति का जो दायरा हो जाता है, वो यही है। सत्ता, संघर्ष, स्ट्रगल आदि, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ कर बैठना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ कर बैठना या करने की कोशिश करना, इसे ही राजनीति कहते हैं। इसे ही एक तरीके से सत्ता संघर्ष या पावर स्ट्रगल का नाम दिया गया है। पावर स्ट्रगल, सत्ता संघर्ष का नाम दिया गया है। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति उतनी पुरानी है जितना कि आदमी। मैन बाय बर्थ इज ए पॉलिटिशियन, यदि ऐसा कहा जाए तो शायद अनुचित नहीं होगा कि वो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजनीति करता है, और हर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता ही है। तो ये तो हुआ आपके लिए एक तरीके से ये समझने का प्रयास कि हम राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं। यूनानी का प्रसिद्ध दार्शनिक और विचारक अरस्तु, जो यूनानी था, जो अंग्रेजी में एरिस्टोटल के नाम से प्रसिद्ध है, मानव को नेचुरल रूप से, स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी मानता है। ये एरिस्टोटल का कहना है कि मानव प्रवृत्ति ही सामाजिक प्रवृत्ति है, वह अकेले हो ही नहीं सकता, क्योंकि मानव अपने जन्म से लेके मृत्यु तक समाज में ही रह के निवास करता है, समाज में ही रहकर विकास करता है, और समाज के बाहर के अस्तित्व की उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य समाज के बाहर हो ही नहीं सकता, वह समाज का ही एक अपरिहार्य अंग है। मानव निर्मित ये जो समाज है, ये राज्य का जन्मदाता है। दूसरे शब्दों में, राज्य का निर्माण मानव की उस प्रवृत्ति से होता है जिसमें वह एक सामाजिक प्राणी बताया गया है। और ये कहा गया है कि मानव अकेला हो ही नहीं सकता, वह तो उसे एक सामाजिक व्यक्ति ही होना जरूरी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य समाज का ही एक अगला चरण है, और समाज ने ही उसे जन्म दिया है। राज्य के द्वारा निर्धारित सीमाओं में रहकर ही
मानव का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है, क्योंकि समाज के अंदर भी कुछ निर्धारित सीमाएं होती हैं जिसके अंदर हर व्यक्ति को रहना पड़ता है। कुछ उसके समाज के अपनी परंपराएं होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति को रहना पड़ता है। और समाज से ही अगला चरण है राज्य। तो हम कह सकते हैं कि राज्य के द्वारा भी जो निर्धारित सीमाएं रहती हैं, मनुष्य उसके अंदर अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। राज्य और उसकी नीतियों का मानव जीवन से इतना घनिष्ठ संबंध, और इसी कारण शायद अरस्तु ने मानव को सामाजिक प्राणी के साथ साथ राजनीतिक प्राणी भी कह दिया था। सोशल बीइंग के साथ साथ उसने उसे पॉलिटिकल बीइंग भी कहा, क्योंकि उसका कहना था कि जो सामाजिक प्राणी है वह राजनीतिक प्राणी तो होगा ही, क्योंकि राज्य जो है वह समाज का ही एक्सटेंशन है। राज्य जो है, राज्य और समाज को एक दूसरे का एक तरीके से पूरक देखते हुए ही, और राज्य और उसकी नीतियों का मानव से इतना घनिष्ठ संबंध देखते हुए ही शायद अरस्तु ने मानव को सामाजिक प्राणी के साथ साथ राजनीतिक प्राणी भी कहा था। उसने ऐसा निरूपित किया कि मनुष्य जितना सामाजिक प्राणी है उतना ही वह राजनीतिक प्राणी भी है। समाज और राज्य का बहुत गहन संबंध। तो निश्चित रूप से समाज और राज्य में जो रहने वाले लोग हैं, समाज के जो हिस्से हैं, वे राजनीतिक रूप से भी राजनीतिक प्राणी अवश्य होंगे। इसलिए राज्य, सरकार और मानव समाज के जो संबंध हैं, पारस्परिक संबंध, उसके आधार पर जो विज्ञान बना, उसके आधार पर जो विषय बनता है, राज्य, सरकार और मानव समाज, इसके आधार पर जो, इनके संबंधों के आधार पर जो विषय बनता है, उस विज्ञान को, उस विषय को राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान, अरस्तु या अरिस्टोटल, राज्य, समाज। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है, और ऐसा कहकर शायद अरस्तु ने ऐसी कोशिश की है या ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि मानव को अपने चारों ओर के वातावरण को समझने के लिए राजनीति विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी समाज में रहते हैं इसलिए सामाजिक विज्ञान का तो ज्ञान आवश्यक है ही, लेकिन अरस्तु कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है, और सर्वोच्च विज्ञान होने के नाते ये जरूरी है कि हर व्यक्ति राजनीति विज्ञान का ज्ञानी हो, उसकी जानकारी हो, क्योंकि वह गैर राजनीतिक नहीं रह सकता, नहीं हो सकता। समाज में रहने वाले मानव जीवन के विभिन्न पहलू हैं, जो बहुत तरीके हैं उसके, जिनका अध्ययन हम सामाजिक विज्ञान में अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ते हैं। जब मनुष्य समाज में रहता है तो अपने जीवन यापन के लिए वो कई गतिविधियों में शामिल होता है, और शामिल होना आवश्यक हो जाता है, चाहे वो आर्थिक गतिविधि हो, क्षेत्रीय सांस्कृतिक गतिविधि हो, धार्मिक गतिविधि हो, आदि आदि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में व्यस्त रहता है, तो इन विभिन्न पहलुओं का अध्ययन सामाजिक विज्ञान में विभिन्न विषयों के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए,
मानव जीवन के आर्थिक पहलू का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं, उसके धार्मिक पहलू का अध्ययन हम दर्शन शास्त्र में करते हैं, धर्मशास्त्र में करते हैं, उसके साथ ही हम उसका जो सामाजिक पहलू है, समाज में कैसे रहना, समाज के साथ कैसे अपनी पैठ बनाना, इसका अध्ययन हम समाज शास्त्र में करते हैं। सो कुल मिला के नैतिक, जैसे नैतिक पक्ष जो है समाज में रहने का, ये नैतिक पक्ष का अध्ययन हम नीति शास्त्र में करते हैं, ऐसे ही मानव के राजनीतिक पहलू का अध्ययन हम राजनीति शास्त्र में करते हैं। और राजनीतिक पहलू, जैसा कि किसी ने कहा है, बहुत प्रसिद्ध फिलासफर, दर्शन शास्त्री, विचारक, विश्व प्रसिद्ध विचारक अरस्तु, जिसे हिंदी में अरस्तु कहते हैं, अंग्रेजी में उसे एरिस्टोटल कहते हैं। एरिस्टोटल ने राजनीति के बारे में कहा है कि ये जो पहलू है, राजनीतिक पहलू, मानव जीवन का सबसे अहम पहलू है, उसकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि राजनीति करते हुए ही हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर परिवार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, अपने महत्वाकांक्षाओं तक पहुँच की पूर्ति तक पहुँचता है, आदि आदि। तो हर चीज़ में राजनीति है, उससे वो बच नहीं सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने कहा है कि सत्ता का लोभ यह मानव जीवन में प्रारंभ से रहा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यह मानव जीवन में प्रारंभ से रहा। तो इस प्रकार राजनीतिक पहलू का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान का हिस्सा, और राजनीतिक पहलू लोगों की दृष्टि में, प्रसिद्ध विचारकों की दृष्टि में मानव अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू।